मधुकर चतुर्वेदी, आजकल रामचंद्रपुरा अजमेर रोड पे रह रहा हूँ। पहले मैं जयपुर शहर में, जो कि यहाँ से करीब 18 किलोमीटर है, विधानसभा के पास रहता था ज्योति नगर में। मगर वहाँ जब मैं रहता था तो बहुत शोर शराबे में रहना पड़ता था। यहाँ पर जब मैं आया तो बहुत शांति का वातावरण है। मगर मैंने देखा यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता था। सब्जी लेने आपको बाहर जाना पड़ता था, फल लेने जाना पड़ता था। मगर जब मेरे मित्र ने बताया कि आपका जो टेरेस है, आप लोग दो तीन तो प्राणी हैं, इनके लिए इतनी सब्जी हो जाएगी, आपको बाहर ही नहीं जाना पड़ेगा। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो आप कर ही दीजिए, क्योंकि मेरे तो दौड़ बचेगी, मैं यहाँ और ध्यान करूँगा बैठ के। जो टाइम था, जो मैं बाज़ार जाने में लगता था सब्जी लाने में, वो ध्यान में मैंने शुरू कर दिया। और जब से प्रतीक भाई ने ये डेवलप किया है, तो मुझे पहले तो हफ्ते में 2-3 बार जाना पड़ता था, अब कभी 2 हफ्ते में 1 बार मैं वो आता हूँ, फल ले आता हूँ जाके। सब्जी वगैरह मेरे ये इतनी हो जाती है, और इतनी बढ़िया क्वालिटी है यहाँ पर, और पानी की इतनी बचत है कि ड्रिप इरिगेशन से सारी चीज़ हो रही है। तो आपको एक तो शुद्ध चीज़ मिल रही है, जिसको अपन ऑर्गेनिक वेजिटेबल कहते हैं, तो इन ट्रू सेंस दिस इज़ ऑर्गेनिक। आप अगर बाज़ार में जाइए तो इससे आपको 5 गुना भाव देना पड़ता है, जो मैं यहाँ प्रतीक भाई ने डेवलप किया है। और इतनी अच्छी सर्विस देते हैं कि इनके जो टेक्नीशियंस हैं, वो 15 दिन में 1 बार आके खुद संभाल जाते हैं। और इसमें कोई इतना नहीं है, आप कभी देखते हैं कि इसमें इन्होंने टाइमर लगा रखा है, आपको पानी देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब पानी चाहिए उस वक़्त टाइमर अपने आप चला देगा उसको, और पानी की इतनी बचत होती है, और आपको वेजिटेबल इतनी अच्छी मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ विन विन सिचुएशन इन ऑल कंडीशंस। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि हर व्यक्ति को जिसके पास थोड़ी भी जगह है टेरेस पे, वो ज़रूर लगाए इसको, और अपन शुद्ध चीज़ लें। बिल्कुल, यहाँ पे तो हवा भी शुद्ध है, खाना भी शुद्ध है, पानी भी शुद्ध है। तो मैं तो बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ प्रतीक को, जो इसने मेरे लिए इतना, आई एम ग्रेटफुल टू प्रतीक। प्रतीक भाई, ये जो भी कुछ आपने करवाया है, ये बिल्कुल मिरेकल की तरह हमें दिखता है सारा। एक जैसे छोटे बच्चे को तैयार किया जाता है, उसी तरह से बिल्कुल है ना। ये जब जब इनको बढ़ते हुए देखते हैं हम, फूलों इनको, पौधों को, और उसमें आते हुए फलों को, इस ट्रिमेंडस जॉय फॉर मी, ट्रिमेंडस जॉय फॉर मी।